बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कोचिंग ज्वाइन करने का। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कोचिंग में आपको जीरो से पढ़ना सिखाया जाता है और साथ के साथ लिखना भी सिखाया जाता है। 2 घंटे की क्लास होती है जिसमें एक दोपहर के 2 बजे पढ़ाया जाता है और एक रात को 9 बजे, एक एक घंटे दोनों टाइम पढ़ाया जाता है। और अगर आप चाहते हैं हमारे कोचिंग में पढ़ना तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस नंबर पर कॉल करना है या फिर मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। हम आपको सारी डिटेल दे देंगे कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे आपको पढ़ना होगा। साथ में कोचिंग के साथ साथ आपको वीडियो और नोट्स भी रोजाना मिलेंगे, तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो जल्दी से कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 10 बजे के बाद रात को कॉल नहीं उठाई जाएगी। सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक कॉल का टाइम है और व्हाट्सएप पे मैसेज आप जब मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि का के लिए आपको इनमें से कौन सा लिखना है? तो देखिए, अगर शुरू में का लिखना है या फिर लास्ट में, तो आपको सी लिखना होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। और अगर शुरू और लास्ट में नहीं लिखना है तो आपको क्या लिखना है? यार पहले तो आप ये याद रखिए कि शुरू और लास्ट में हमेशा सी लिखते हैं, ठीक है। तो आप पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि के कब लिखते हैं। वैसे तो एक पहले आपको मैं सी के का समझा दूंगी, फिर के का लास्ट में समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर सी के बाद ए ओ या फिर ई है तो आपको सी को यानी कि शुरू और लास्ट में लिखना है, ठीक है। और अगर इसके बाद कुछ भी नहीं है, मान लीजिए ए ओ ई कुछ भी नहीं है, तो आपको, सॉरी यहाँ पर यू है, मैंने ई लिख दिया गलती से, यू। अगर सी के बाद ए ओ यू है तो आपको क्या लिखना है? सी लिखना है शुरू और लास्ट में। लेकिन अगर ई आई वाई है तो शुरू और लास्ट में आपको के लिखना है। क्या लिखना है? के लिखना है का के लिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ, काइट। मैं आपको पहले लिखवा देती हूँ, फिर मैं आपको 2-3 लिखवा देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। एक एक करके समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने नोट्स भी बना रखे हैं इसके ताकि आप आसानी से लिख सके। काइट, तो इसमें इसको का पढ़ा जा रहा है, ठीक है, और इसमें भी शुरू वाले को का पढ़ा जा रहा है, लेकिन दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ा जा रहा है? यहाँ पर सी क्यों लिखा है, यहाँ पर के क्यों लिखा है? क्योंकि इसके बाद ए है और इसके बाद आई है, इसलिए इसको हमने का के लिए के लिखा है। अगर सी के बाद, सॉरी, अगर हमें का लिखना है और उसके बाद ई आई वाई आ रहा है, जैसे कि काइट हो गया या फिर कुछ भी हो सकता है, ई हो गया, वाई हो गया, तो आपको के लिखना है शुरू और लास्ट में, ठीक है। लेकिन अगर ई आई वाई नहीं है तो आपको बाकी सभी जगह शुरू और लास्ट में सी लिखना है, जैसे कि केबल हो गया, टॉपिक हो गया, और भी बहुत सारे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि क्लियर हो गया, कॉमिक हो गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर ई आई वाई में से कोई सा भी है तो के लिखना है, और इनमें से कोई सा नहीं है तो आपको क्या लिखना है? सी लिखना है, अगर ए ओ यू है तो। तो इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत हेल्प करेगा ये अगर आपको लिखना होगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल, किप। तो किप में भी आप देख रहे हैं इसको क्या पढ़ रहे हैं, इसको हम का पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद ई है इसलिए हमने इसको का पढ़ा, ठीक है। क्योंकि अगर सी के बाद ई आ जाता है तो सी का नहीं रहता, सी सा बन जाता है, याद रखिएगा, ये फिर का नहीं रहता। और अगर सी के बाद आई आता है, जब भी सी सा माना जाता है, वाई होता है जब भी सी को सा पढ़ते हैं, इसीलिए हमें ई आई वाई के लिए के लिखना होता है, ठीक है। ये रूल्स इसीलिए बनाए गए हैं कि के क्यों लिख रहे हैं और सी क्यों लिख रहे हैं। अब हमारा टॉपिक बचा है कि भाई सी के क्यों लिखते हैं। तो देखिए, अगर कहीं पर भी तीसरे नंबर पे का लिखना है, कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे, तो आपको देगा, अगर तीसरे नंबर पे का आ रहा है तो आपको क्या लिखना है? सी के लिखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपने ये लिखती रहिए साथ के साथ, मैं यहाँ पर एक लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि सिक, सी क, तो ये जो सिक है ये तीसरे नंबर पे है। कैसे? एस हो गया पहला, आई हो गया दूसरा, और ये क्या हो गया? तीसरा। क्योंकि इन दोनों को तो एक ही पढ़ा जा रहा है ना, इन दोनों को हम अलग अलग तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका का है। तो सी की कहाँ पर है? तीसरे नंबर पे। अगर कहीं पर भी तीसरे नंबर पे का लिखा जा रहा है
तो आपको का के लिए सी के लिखना है, और इतना तो आपको पता चल ही जाएगा कि स है तो सा के लिए तो ऐसे लिखते हैं, और ई की मात्रा है तो आई जरूर आएगा, और का है तो का तीसरे नंबर पे, यानी कि मात्रा को भी गिनी है कि कितने नंबर पे है। ठीक है, अब अगर ये भी कंफ्यूजन रहता है कि भाई ई की मात्रा के लिए आई लिखे, ई लिखे, वाई लिखे, तो वो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कब आई लिखते हैं, कब वाई लिखते हैं और कब ई लिखते हैं। ये भी बहुत आसानी से समझा दूंगी, फिर आप कभी भी गलती नहीं करेंगे कि आई लिखना है, ई लिखना है, वाई लिखना है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं सी के का अच्छे से लिख दूंगी। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए, फिर को सिर्फ तीसरे नंबर पे ही लिखना है, बाकी सभी जगह दूसरा नंबर हो, चौथा चौथा नंबर हो, पांचवा नंबर हो, सब जगह या तो आपको सी लिखना है या के लिखना है, और वो आपको पता चल ही गया है कि कब लिखना है किसको, सी और के को। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए, फिर मैं आपको अच्छे, उनको ये नहीं पता होगा जिन्होंने पहले क्लास कर रहे हैं उनको तो मैं ये समझा, जैसे ब्लैक, ब्लैक का भी एक बार समझा देती हूँ, फिर मैं आपको इसका भी समझाऊंगी एक बार दोबारा से। जैसे कि बी एल 1 2 3 4, ये भी चौथा हो रहा है। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए जैसे बी को ब पढ़ा, एल को ल पढ़ा, ठीक है, तो हमने इन दोनों को एक ही माना जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ब आधा है और ला पूरा है, लेकिन बा ला के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक ही माना जाता है। अगर कहीं पर भी आधा शब्द है तो उसको एक ही माना जाएगा, जैसे कि बी एल हो गया या फिर पी एल हो गया, तो ये एक ही माने जाते हैं, क्योंकि आधा शब्द इस वाले शब्द के साथ ही जोड़ा जाएगा, ये अलग नहीं लिखा जाता, इसलिए इसको एक मानने मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, बी एल ए सी के, एक, दोनों को एक माना, फिर दो और ये तीन। ठीक है, इसी तरीके से अटैक पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी इसको ए सी के, ये एक ही माना जाता है, क्योंकि अ एक ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है, तो 1 2 3। बाकी सभी में आप कंफ्यूजन नहीं होगे, थोड़ा इसी में हो रही है, बाकी सब में नॉर्मल है। जैसे कि मैं आपको एक दो और लिखवा देती हूँ यहीं पे सी के वाले, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जैसे कि अटैक हो गया, चिक हो गया, और आपका क्लॉक हो गया, तो क्लॉक में भी क्या है, देखिए एक, ये दोनों एक ही माने जाएंगे, क्यों, क्योंकि सी और सी को आधा लिखा जा रहा है। अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि सी को आधा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सी और एल के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसलिए पहले वाले को आधा लिखते हैं। तो किसी भी लेटर्स के बीच में अगर मात्रा नहीं होती है तो पहले वाले को हमेशा आधा लिखा जाता है। जैसे इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, मात्रा क्या, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ये होती है मात्रा, इनमें से कोई सा भी इनके बीच में नहीं है, तो पहले वाले को आधा लिखा, पूरे वाले को ला। तो समझ में आया, अब यहाँ पर देखिए क्योंकि ये एक ही माने जा रहे हैं, एक हो गया, फिर ये दो हो गया और ये तीन हो गया, हम ए को नहीं गिनते हैं, ठीक है, या तो ये वाला ए मत गिनिए या ये वाला, तो यहाँ पर देखिए एक दो और ये तीन, तो ये भी तीसरा ही है, तो इसको हमने क्या पढ़ा, क्लॉक, क्लॉक। तो यहाँ पर याद रखिएगा, और भी मैं कुछ एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ, फिर मैं आपको सबका लिखना है और पढ़ना है और कब इसे चा लिखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ चा कब पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चा ही पढ़ा जाता है सी एच को, उसके बाद मैं आपको काका बताऊंगी। तो चलिए मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, एच, सी एच को चा कब पढ़ते हैं, सबसे पहले हम ये सीखेंगे, कभी भी अगर सी एच शुरू में होगा, जैसे कि यहाँ पर शुरू में है चेयर, चेयर हो गया, चर्च हो गया, बहुत सारे हैं, वैसे तो मैंने सिर्फ तीन लिखे हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शुरू में है तो हम चा पढ़ रहे हैं, और अगर लास्ट में होगा तब भी हमें चा पढ़ना होता है और चा लिखना होता है। अगर आपको चा शुरू में लिखना है तो आपको सी एच लिखना होगा, यानी कि सी एच को चा ही पढ़ेंगे और चा ही लिखेंगे, और अगर लास्ट में लिखना है तब भी आपको सी एच लिखना है, यानी कि वैसे तो सी एच ही लिखते हैं चा के लिए, लेकिन कभी कभी का भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये चीज पता चल गई कि आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगी कि सी एच को का पढ़ रहे हैं या चा पढ़ रहे हैं। अगर शुरू और लास्ट में है तो सी एच को चा पढ़ेंगे, और अगर शुरू और लास्ट में नहीं है तो बाकी सभी जगह आपको का पढ़ना है। तो का मैं अभी एक और चीज समझाऊंगी, पहले आप ये लिख लीजिए,
तो सी एच को हम का कब पढ़ते हैं? वैसे तो मैंने आपको बताया कि शुरू और लास्ट में चा लिखते हैं सी एच को, और पढ़ते भी चा है, और अगर वो शुरू और लास्ट में नहीं है तो आपको उसको का लिखना है। लेकिन क्या है, कहीं कहीं सी एच को सा भी पढ़ते हैं, तो इसलिए हम सबको नहीं बोल सकते कि सब जगह आपको का पढ़ना है। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है। अगर कोई भी वैज्ञानिक नाम है, जैसे कि टेक्निकल हो गया, केमिकल वगैरह, जो भी विज्ञान ने खोज की है उनके जो भी चीजों के नाम है, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर के सामानों का हो गया, या साइंस का जो भी हो सकता है, उसके लिए आपको सी एच को का पढ़ना है। जैसे कि केमिकल में आप देख रहे हैं इसे का पढ़ते हैं। उसके बाद गॉड, यानी कि भगवान के किसी भी नाम में सी एच आ रहा है, जैसे कि क्रिसमस हो गया, तो आपको सी एच को का पढ़ना है। कोई भी भगवान की चीजों का नाम हो गया, किसी भी चीज का भगवान से जुड़ी, और उसमें सी एच है तो आपको का पढ़ना है। उसके बाद स्पेशल नाम, जैसे कि स्कूल हो गया, या फिर कोई भी ऐसा नाम जो स्पेशल होता है, स्कूल हो गया, या फिर किसी डॉक्टर हो गया, ये सब, सॉरी डॉक्टर में तो सी एच नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, कोई भी ऐसा जो स्पेशल एक ही नाम है उससे दूसरा नाम नहीं बन सकता है। जैसे स्कूल नाम है, उससे बहुत सारे स्कूल बन सकते हैं, लेकिन नाम स्कूल ही रहेगा, उसके हम और नाम नहीं रख सकते कि ये स्कूल है तो ये नया स्कूल है, नहीं, हम सबको स्कूल ही बोलेंगे। तो इसीलिए कोई भी एक स्पेशल नाम हो, या कोई भी स्पेशल नाम के लिए अगर सी एच हो, तो उसमें आपको सी एच को का पढ़ना है। भगवान की कोई भी चीज में अगर सी एच आ रहा है किसी भी नाम में, तो उसमें आपको का पढ़ना है। और कोई वैज्ञानिक चीज हो, जब विज्ञान से बनी हो या उन्होंने खोज की हो, तो उसके लिए का पढ़ते हैं। अब जैसे कि दर्द, दर्द क्या है, ये भी एक वैज्ञानिक की है, यानी कि डॉक्टर से ही जुड़ी हुई है, तो इसलिए इसको का पढ़ा है। ठीक है, तो समझ में आया कि सी एच को का कब पढ़ते हैं। वैसे सी एच को शा भी पढ़ते हैं, बाकी जो भी चीज होगी, जैसे वैज्ञानिक नाम नहीं है, गॉड नाम नहीं है, स्पेशल नाम नहीं है, तो वहां पर आपको उसको सा पढ़ना है। लेकिन बहुत ही कम जगह होता है जहाँ पर शा पढ़ा जाता है, ज्यादातर या तो चा पढ़ते हैं या का पढ़ते हैं। तो आप इसे लिख लीजिए, थोड़े से मैं शा की भी लिखवा दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। याद रखिएगा, 15 ऐसी वर्ड मीनिंग है जहां पर सी एच को शा पढ़ते हैं, बाकी सभी जगह या तो का पढ़ना है या फिर चा पढ़ना है। अगर आप 15 वर्ड मीनिंग याद है आपको, वैसे तो इसमें से 15 में से कुछ ही ऐसी वर्ड मीनिंग है जो आपको याद करनी होगी, क्योंकि बाकी तो सारी ऐसी है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपकी वर्ड मीनिंग में यूज होगी, यानी कि रोज बोलने में, जैसे कि हकीम हो गया, रोज, ये कुछ जो होंगी मैं आपको इसकी लिस्ट भेज दूंगी। ठीक है, अब देखिए, लिख तो मैं दूं, लेकिन 5 मिनट बचे हैं, लिखने में सारा टाइम खराब हो जाएगा, और क्लास भी नहीं, हम मैं समझा भी नहीं पाऊंगी, और आप लिख भी नहीं पाएंगे, इस वजह से मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, और हाँ, तो ये 15 वर्ड मीनिंग मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइलेंट सी एच को कब नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि जब हम सी एच की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सी एच को कब नहीं पढ़ते। बहुत ही सिंपल है, सी एच को कब नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सी, सॉरी पूरी वर्ड मीनिंग लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अभी आप लोग मैसेज मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप बाद में मैसेज कर देना। ओके, यॉट, इसको हम यॉट पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सी एच को नहीं पढ़ना होता। अब आपको, आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन कौन सी, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर सी एच को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये एक ही ऐसी वर्ड मीनिंग है जहां पर सी एच को नहीं पढ़ते हैं, बाकी सभी जगह पढ़ते हैं, सिर्फ एक वर्ड मीनिंग में सी एच को नहीं पढ़ते हैं, बाकी ऐसी कोई वर्ड मीनिंग नहीं है जहां पर सी एच को नहीं पढ़ा जाता। तो सिर्फ इसको याद रख लीजिए, यॉट, यॉट यानी कि नौका, यानी कि नाव। ठीक है, तो वहां पर सी एच को नहीं पढ़ा जाता। अगर इसके आगे आपको आई एन जी लगाना है, तब भी इसको सी एच को नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। जैसे इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म बनाते हैं तो इसमें आई एन जी वगैरह लगा देते हैं, तो तब भी आपको सी एच को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और आज की क्लास यहीं तक थी, और मैंने आपको सिखा दिया कि सी एच को कब क्या पढ़ते हैं, कब नहीं पढ़ते हैं। शायद अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होंगे कि कहाँ पर किसको क्या पढ़ना है।